देखिए भाजपा का चाल चरित्र जो है वो कुछ भी कर सकती है। टिट फॉर टैट जिस तरीके का वो निचले स्तर पर गिर के राजनीति करता है वैसे हमें करना होगा। अब मुद्दों की राजनीति रही ही नहीं इस कंट्री में, लेकिन अखिलेश जी को समझना पड़ेगा कि अब हार्ड वर्क के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम घर में बैठ के राजनीति नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, क्या इन राज्यों का असर बिहार के ऊपर भी पड़ेगा? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आएगा उसका सीधा असर बिहार के राजनीति के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। मेरे साथ पप्पू यादव हैं, इनसे जानेंगे कि बिहार में चल क्या रहा है और क्या उत्तर प्रदेश का असर बिहार पे भी कुछ पड़ने वाला है। सर, जिस तरीके से देखे कि यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जनता का प्यार मिला, समर्थन मिला, क्या बिहार में कुछ असर पड़ेगा उसका? हमको तो समझ में नहीं आता है कि एक तो आप निचले स्तर पर जाके राजनीति करते हैं, महंगाई, किसान, बेरोजगारी इस देश की जनता के लिए कोई मायने ही नहीं रखते। अब आप जितना बांट सकते हो, चुनाव के 3 महीना घी बांट लो, सब कुछ बांट लो, मोनोपोलाइजेशन करो, गाली गलौज करो, बुलडोजर चढ़ाओ, हिंदू मुसलमान जाति धर्म करो, अब राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। डराओ ईडी सीडी से, मायावती जी का वोट ट्रांसफ़र करा लो, काशीराम होते तो आत्महत्या कर लिए होते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को ख़त्म कर देने वाली ये महिलाएं हैं। अब आप सोचो ना, वॉक ओवर दे देना, उसके बाद अब गंभीरता से इस बात को सोचो कि हालात क्या हैं। आप स्थिति उठा करके देखो, ये ईवीएम को ख़त्म करना होगा, आप बैलेट पेपर से जो जीत जाए जिता दो, पूरी देश की विपक्षी पार्टी को एक होनी होगी, अन्यथा डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मनोबल पूरा बढ़ गया है और बिहार में अब बीजेपी कुछ खेला करने वाली है राजनीतिक रूप से। भैया, कभी मनोबल किसी का बढ़ता है किसी का घटता है जी। अभी तो कई चुनाव हैं, आ ही रहे हैं, गुजरात है, हिमाचल है। कांग्रेस को निर्णय लेने होंगे जल्दी और कुछ सेलेक्टेड राजनीति से निकलने होंगे। टिट फॉर टैट जिस तरीके का वो निचले स्तर पर गिर के राजनीति करता है वैसे हमें करना होगा। अब मुद्दों की राजनीति रही ही नहीं इस कंट्री में। दारू बांट देंगे जी, सब कुछ दे देंगे जी, एक स्कूल को 2 करोड़ में बनाया जी, अब 50 करोड़ खर्च किया और अब मुख्यमंत्री पंजाब में 2 करोड़ बना के 50 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग क्या होती है, 1500-2000 करोड़ रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर रखोगे और अखिलेश जी की लहर थी, सोबर हैं जी। लेकिन अखिलेश जी को समझना पड़ेगा कि अब हार्ड वर्क के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम घर में बैठ के राजनीति नहीं कर सकते, हमें जनता के बीच पागलों की तरह हमें लड़ाई लड़नी होगी। क्या भाजपा आप नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करेगी? सर देखिए, भाजपा का चाल चरित्र जो है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन भाजपा के पास रास्ते क्या हैं, विकल्प क्या है, आप ये बताओ ना। नीतीश कुमार जी के अलावे कोई चेहरा है क्या बिहार में? कोई नहीं है, हद हो गया। नीतीश कुमार जी के नाम पर ना भाजपा वहाँ चुनाव जीतती है, वहाँ कौन सा नरेंद्र मोदी का चेहरा, लड़के देख लो ना, छोड़ो चलो चुनाव में।
इनको बहुत औकात है ना, चलो बिहार में चुनाव में नीतीश कुमार जी और कांग्रेस सब एक होकर के चुनाव लड़ ले, इसको 25 सीट आ जाएगा तो मेरा नाम बदल देना, सब मिलकर के तो आरजेडी को फायदा हो जाएगा। किसको फायदा होगा आरजेडी, हम तो कह रहे हैं विपक्ष मिल के लड़ ले, किसको फायदा होगा किसको घाटा होगा ये तो बात की चीज है ना। मेरा सवाल ये उठता है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव धन से लेकर मोनोप्लेशन से लेकर 10 किलो चावल 20 किलो चावल घी बांटने घर घर पहुंचा दो और उसके बाद जाति और धर्म का नफरत, अब जहां पर किसान मरे वहां देवबंद में 2 लाख मुसलमान है वहां भाजपा कैसे जीत रहे हो भाई, जहां पर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख अत्यंत पिछड़ा मुसलमान ज़्यादा जाट है वहाँ पर आप जीत गए और उस एक इलाके में आप जीते ही नहीं, तो जो परिस्थितियाँ हैं उसको समझिए। जनता बिल्कुल महंगाई से जनता को कोई मतलब नहीं है, जनता को रोजगार से कोई मतलब नहीं है, जनता को धर्म मजहब और नफरत की राजनीति करिए। 3 महीना पहले सब कुछ फ्री कर दीजिए, अब फिर रोक दीजिए, फिर महंगाई थोप दीजिए और भर 4 साल गुंडों की तरह राज कीजिए। जनता मस्त है, लोकतंत्र के लिए जनता भगवान है वो अलग बात है, कह दें भगवान है हम भी कह देते हैं भगवान है, लेकिन जो देश के हालात है बेरोजगारी के और महंगाई के से लेकर के किसानों की स्थिति जो है, पंजाब में इतना ना नशा घरे घर पैदा हो गया था, अकाली और कांग्रेस दोनों को बारे में था कि दोनों नशा को बेचता है, अमरिंदर जी कर नहीं सके घर से निकले नहीं, और कांग्रेस को निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था, तो कांग्रेस निर्णय लेने में जितना समय लगाती है उतना समय में नरेंद्र मोदी अब वहाँ से छोड़ा चल दिया गुजरात। तो अब हम आग्रह करेंगे कांग्रेस अखिलेश जी सबसे, अब बंद कोठरी की राजनीति छोड़िए और जनता के बीच जा कर के काम करिए और जनता के लिए काम करिए, जैसा देश वैसा भेद, हमें उस तरह का माहौल तैयार करना पड़ेगा और माहौल बनाना होगा, बिना माहौल बनाए अब आप राजनीति नहीं कर सकते। शुक्रिया सर, थैंक यू।